हेलो स्टूडेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी सेकेंड ईयर का लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट बुक का। ये पूर्वांचल और जननायक दोनों में ही कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि इस साल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इज द सबसेट ए बी सी जहाँ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, और हमें बताना है कि ये सब स्पेस है आर क्यूब का। ठीक है ना, ये सबसेट जो है सब इस से आर क्यूब का हमें दिखाना है। तो लेट डब्ल्यू इक्वल टू ए बी सी जहाँ ए बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, आर मतलब रियल नंबर है। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि लेट अल्फा इक्वल टू ए वन बी वन सी वन एंड बीटा इक्वल टू ए टू बी टू सी टू, जहाँ कि अल्फा और बीटा बिलोंग कर रहे हैं डब्ल्यू में। अब जब डब्ल्यू बिलोंग कर रहा है तो डब्ल्यू बिलोंग कर रहा है तो क्या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है। तब ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन भी इक्वल टू जीरो होगा और ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू इक्वल टू भी जीरो होगा। इफ कंसीडर मतलब हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि ए और बी बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब रियल नंबर, तब ए अल्फा प्लस बी बीटा भी बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। जैसे आप था ना कि ए प्लस बी ए बी सी बिलोंग कर रहा था रियल नंबर में और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, जीरो आ जा रहा था, ये बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। तो हम इसको सॉल्व करेंगे ए अल्फा प्लस बी बीटा, अगर ये जीरो की इक्वल आ जाएगा, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे जीरो की इक्वल आ जाएगा तब मतलब डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, तब ये सब स्पेस होगा आर क्यूब का। तो ए अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है ए वन बी वन सी वन, तो ए ए वन बी वन सी वन प्लस बी ए टू बी टू सी टू। अब ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ए वन ए बी वन ए सी वन, और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए टू बी बी टू बी सी टू। अब देखो ए ए वन बी ए टू एक साथ ले लेंगे, ए ए वन प्लस बी ए टू कॉमा ए बी वन बी बी टू ए बी वन बी बी टू एक साथ, और सम करेंगे अब इन कॉमा, थर्ड होगा ए सी वन बी सी टू ए सी वन बी सी टू। ठीक है, ओके। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए ए ए टू सॉरी ए ए वन है ए ए वन प्लस बी ए टू कॉमा ए बी वन प्लस बी बी टू कॉमा ए सी वन प्लस बी सी टू। ठीक है, अब देखो ये पूरा ए हो गया और ये पूरा बी हो गया और ये पूरा सी हो गया जो कि बिलोंग कर रहा है आर में। तो जब आर में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देखो जब ये ए बी सी बिलोंग कर रहा था आर में तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो था, तब देखो ये पूरा ए है, यानी ए ए वन प्लस बी ए टू ये पूरा ए है, और ए बी वन प्लस बी बी टू ये बी है पूरा, और ए सी वन प्लस बी सी टू ये पूरा का पूरा सी है। तो जब ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं आर में, यानी इनका सम भी जीरो के इक्वल होगा। अगर जीरो के इक्वल आ गया तब तो ये सब स्पेस है। तब इन तीनों का सम कर देंगे, यानी ए ए वन प्लस बी ए टू प्लस ए बी वन प्लस बी बी टू प्लस ए सी वन प्लस ए सी टू, तब हमें ये मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा ए ए वन। यहाँ पे देखो ए ए वन प्लस ए बी टू प्लस ए सी वन, तीनों को एक साथ ले लेंगे, और बी ए टू प्लस बी बी टू प्लस ए सी टू, तीनों को एक साथ ले लेंगे, तब प्राप्त होगा ए ए वन प्लस ए बी बी वन प्लस ए सी वन, ओके, और फिर बी ए टू प्लस बी बी टू प्लस बी सी टू। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ए सब में कॉमन है तो ए कॉमन कर लेंगे तो ए ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन, इसमें बी कॉमन कर लेंगे तो बी ए टू बी टू सी टू, और हमें पता है कि ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे है ना ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन जीरो, ए टू बी टू प्लस सी टू जीरो। तो यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे तो जीरो पुट कर देंगे जीरो हो जाएगा, यानी इन तीनों रियल नंबर का सम इक्वल टू जीरो हो गया। जब जीरो हो गया मतलब कि ये बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, यानी अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में और ए भी बिलोंग कर रहा है रियल आर में। तो अल्फा ए अल्फा प्लस बी बीटा भी बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, तब हमें मिल गया कि W इज अ सब स्पेस ऑफ आर क्यूब। अब सेकंड क्वेश्चन है,
इफ वी इक्वल टू आर क्यूब देन सो दैट डब्ल्यू इतना इज अ सब स्पेस ऑफ वी, मतलब हमें डब्ल्यू गिवन है और इसको दिखाना है कि ये सब स्पेस है वी का, तो हम वैसे ही ले लेंगे दो थे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, जीरो बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, जहाँ एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देन फॉर एनी टू स्केलर, कोई दो थे स्केलर ले लेंगे जहाँ ए वन ए और बी जो कि बिलोंग करेगा आर में, तो वही सेम टू सेम जैसे पहले वाले हम किए थे ए अल्फा प्लस बी बीटा, वैसे ही यहाँ पे ए अल्फा क्या है एक्स वन वाई वन जीरो और एक्स टू वाई टू जीरो, यानी ए एक्स वन वाई वन जीरो प्लस बी एक्स टू वाई टू जीरो, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा। उसके बाद ये अब ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू को एक साथ ले लेंगे और ए वाई वन बी वाई टू को एक साथ ले लेंगे और जीरो जीरो तो जीरो बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, बिलोंग करेगा ना डब्ल्यू में। देखो ये दिया था ए एक्स वन वाई बिलोंग आर, यानी इन तीनों का जो ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू और ये ए हो गया पूरा और ये कमा बी हो गया और ये सी हो गया, यानी ए बी सी बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, यानी ए एक्स वन बी एक्स टू और ए वाई वन बी वाई टू बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, जहाँ ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू ये और ये दोनों के दोनों आर में बिलोंग करेंगे, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू एंड ए वाई वन प्लस बी वाई टू बिलोंग करेगा आर में, ठीक है ना। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, सो दैट द वेक्टर एक्स वन एंड एक्स टू आर लीनियर इंडिपेंडेंट, हमें इन दोनों वेक्टरों को लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाना है, तो लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए दो स्केलर लेंगे, दो स्केलर को दिए गए दो वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों का वैल्यू अगर जीरो आ जाएगा तब तो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, अगर जीरो नहीं आएगा तब लीनियर डिपेंडेंट होगा। तो हम देखते हैं क्या आता है, हमें दिया हुआ है कि एक्स वन दो वेक्टर दिया ना, एक्स वन वेक्टर और एक्स टू वेक्टर, इतना वैल्यू है वन टू थ्री फोर माइनस टू सेवन। अब हम सपोज़ कर लेंगे ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, आर मतलब स्केलर, ये स्केलर हम ले रहे हैं, तो स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट लीनियर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट दिखाने के लिए, अगर उनका मान पर डिपेंड करेगा जीरो आ रहा है तो लीनियर इंडिपेंडेंट, अगर जीरो नहीं आएगा तो लीनियर डिपेंडेंट। तो एक स्केलर और एक वेक्टर से मल्टीप्लाई प्लस एक स्केलर सेकेंड वेक्टर से मल्टीप्लाई दें, यानी ए वन टू थ्री प्लस बी फोर माइनस टू सेवन इक्वल टू जीरो, यानी ए बी ए और सॉरी यहाँ बी फोर होगा, ए बी फोर इक्वल टू जीरो मीन टू ए माइनस टू बी इक्वल टू जीरो और थ्री ए सेवन बी इक्वल टू जीरो। अब देखो यानी इक्वेशन फर्स्ट हमें मिला टू ए माइनस टू बी इक्वल टू जीरो, यानी टू ए इक्वल टू टू बी, तो टू से टू कट जाएगा यानी ए इक्वल टू बी निकल गया, जब ए इक्वल टू बी निकल गया तो एक जब बी रखो बी की जब ए रखो तो हमें प्राप्त होगा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड को जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा बी इक्वल टू जीरो ए इक्वल टू जीरो, जब ए इक्वल टू जीरो हो गया बी इक्वल टू जीरो हो गया यानी दोनों वैल्यू क्या हो गए जीरो हो गए, तो इसका मतलब एक्स और वाई जो वेक्टर दिया हुआ है वो क्या है लीनियर इनडिपेंडेंट है, ठीक है ना। अगर ए जीरो नहीं आता कुछ और आता तब लीनियर डिपेंडेंट हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, टेस्ट द लीनियर डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेक्टर्स, मतलब कि टेस्ट करना है कि लीनियर डिपेंडेंट है कि लीनियर इनडिपेंडेंट है, अरे दो ठे वेक्टर दिया हुआ है, तो हमें जब दो ठे वेक्टर दिया है तो हम पहले तो दो ठे स्केलर सपोज करेंगे, पहले ही जब दे देना लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इनडिपेंडेंट सपोज करने के लिए, मतलब बताने के लिए कि ये बताओ लीनियर डिपेंडेंट है कि लीनियर इनडिपेंडेंट है, जितने वेक्टर होते हैं उतने स्केलर लेते हैं, यहाँ दो ठे वेक्टर है दो ठे वेक्टर दिया हुआ है तो दो ठे स्केलर सपोज कर लेंगे ये ए और बी और गिवन वेक्टर तो ये है ही, और फिर एक जितने स्केलर होते हैं जितने वेक्टर में सब मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, यानी एक स्केलर एक वेक्टर प्लस सेकंड स्केलर सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देंगे इक्वल टू जीरो जीरो ले लेंगे, अब तो हमें मिल जाएगा ए वन ए बी टू इक्वल टू जीरो टू ए माइनस टू बी इक्वल टू जीरो एंड थ्री ए इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो सेकंड इक्वेशन में मिल गया हमें 2a माइनस टू बी इक्वल टू जीरो, यानी 2a इक्वल टू टू बी या 2 से 2 कट गया था यानी a इक्वल टू बी, जब a इक्वल टू बी निकल गया इक्वेशन थर्ड से मिल गया कि a इक्वल टू जीरो है, इक्वेशन थर्ड से a इक्वल टू जीरो मिल गया ना। अब देखो जब a इक्वल टू जीरो मिल गया तो एक जब पुट करेंगे तो b इक्वल टू बी जीरो होगा ही, यानी a भी जीरो b भी जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया ये लीनियर इनडिपेंडेंट है, ठीक है। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, सब ऐसे शॉर्ट वीडियो आते रहेंगे डेली 10-10 मिनट के या कुछ कितने मिनट भी, बस आप सॉल्व करते रहिए, एग्ज़ाम पास आ गया है।
और हम पूरा सहयोग करेंगे आपका। ठीक है, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।